सुप्रीम कोर्ट की फटकार के करीब 6 घंटे बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को शुक्रवार रात 11:59 तक बकाया रकम का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और अन्य कंपनियों को सरकार द्वारा तय मियाद से पहले रकम चुकानी होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय सैनिकों के शौर्य, शहादत और वीरता का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें भूल जाती है, इसलिए पुलवामा के शहीदों के परिजन 1 साल बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र एवं दिल्ली सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को फैसला नहीं लिखवाया जा सका, क्योंकि फैसला लिखवाते वक्त न्यायमूर्ति आर भानुमति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की जमानत के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को होने वाले अपने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शामिल होने का अनुरोध किया है। इंदौर में राजीव शुक्ला बोले, दिल्ली की जनता भाजपा को हराना चाहती थी, वोटों का बंटवारा ना हो इसलिए कांग्रेस के बजाय आपको दिए वोट।